मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विसाहूलाल सिंह की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। राजपूत महिलाओं को लेकर दिए गए बयान की वजह से पूरे प्रदेश में उनका विरोध हो रहा है। रविवार को गुना के जैस्तम चौराहे पर करनी सेना की महिला इकाई ने खाद्य मंत्री विसाहूलाल सिंह का पुतला दहन किया। महिलाओं ने मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही विसाहूलाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ आंदोलन उग्र हो जाएगा। राजपूत समाज की महिलाओं ने विसाहूलाल को बताया कि वे इतने कमजोर नहीं हैं कि उन्हें घर से बाहर खींच लाए। खाद्य मंत्री की इस टिप्पणी से पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। खुद भाजपा के नेता इस बयान को लेकर किनारा कर रहे हैं और विसाहूलाल सिंह अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। साहूलाल यादव जी ने बयान दिया है कि महिलाओं को घर से खींच कर लाएंगे और उनसे काम करवाएंगे। इस बयान के खिलाफ हम लोगों ने आज उनका पुतला दहन किया, क्योंकि महिलाएं इतनी कमजोर नहीं है कि उनको खींच के उन्होंने बोला है। उन्होंने सभी नारियों के सम्मान के लिए सभी को सम्मान पे चोट पहुंचाई, उन्होंने बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई नारी के सम्मान में। हम नारियां कमजोर नहीं है, हम लोगों ने इतिहास रचा है और आगे भी इतिहास रचते जाएंगे। और हमें निकलना होगा, हर नारी अपने घर की महारानी होती है। इस विवाद इस बयान पर आप क्या चाहेंगी सरकार? हम सरकार का यही आगे आप क्या करेंगे अगर ऐसा नहीं होता? आगे इसके इससे ज्यादा विरोध होगा। अगर अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है तो इससे कहीं ज्यादा विरोध होगा और इससे बढ़कर विरोध होगा। अब देखना ये होगा कि भाजपा अपने मंत्री के इस बयान पर क्या एक्शन लेती है। गुना से मृदुभाषी के लिए राघवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।